भारतीय जनता पार्टी की राह पर अब मुसलमान भी नजर आ रहे हैं। मोदी भाईजान अब मुसलमानों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मुस्लिम महिलाओं और अन्य पार्टियों से आए नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा में सदस्यता लेने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का 3 तलाक बिल लाने के लिए आभार जताया है और देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का संकल्प लेकर मोदी भाईजान के लिए मेहनत करने का विश्वास दिला रही है। दरअसल विपक्षी पार्टियां भाजपा को घेरने के लिए महागठबंधन बनाकर रोकने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उसी के विपरीत विपक्षी पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल होकर भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। आज मुरादाबाद में भाजपा में लगभग 500 कार्यकर्ताओं और नेताओं तथा 7 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो वहीं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मोदी भाईजान ने जो हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। आज भाजपा के साथ जुड़कर हमें खुशी हो रही है कि हम मोदी भाईजान को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर और देश में मोदी जी के नेतृत्व और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर मुरादाबाद में आज नगर निगम के 7 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भोजपुर नगर पंचायत के 3 सभासदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये पार्षद सपा से, बसपा से, कांग्रेस से और निर्दलीय दल से ये लोग पार्षद हैं। इन्हीं के साथ साथ समाजवादी पार्टी की प्रदेश की सचिव महिला की यादव जी ने, जमा यादव जी ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा ज्वाइन की है। आज लगभग 502 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आज इस मौके पे जितने भी लोगों ने आज भाजपा को ज्वाइन किया है उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मरियम काजमी, अच्छा बताइए, आज आपने भाजपा को ज्वाइन किया है, क्या सोचकर आप पार्टी में शामिल हुए? भाजपा में मैंने इसलिए ज्वाइनिंग के लिए क्योंकि भाजपा से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो आधी से ज़्यादा उम्मीदें खरी उतरी हूँ मैं इन पे भाजपा की सरकार से, और भाजपा से मुझे आगे भी उम्मीदवार लोग खड़े हुए हैं तो उनको भी इसमें सहायता मिलेगी बहुत ज़्यादा, और जो उन्होंने भाजपा जी ने अपनी योजनाएँ चलाई हैं उससे भी महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है, जिससे कि आज की नारी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई है, और इनकी 3 तलाक का जो मुकदमा था वो सब उन्होंने निरस्त कर दिया है, इससे बहुत खुशी हुई है। और आगे हमारे जीवन में किस तरह का बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले नारी बाहर पढ़ने नहीं जाती थी, सेफ नहीं होती थी बाहर निकलते वक्त, अब नारी सेफ है हर तरीके से, घर में भी, ससुराल में भी और वैसे भी। 2024 का इलेक्शन है, किसको देखना? मोदी जी को। आधी से ज़्यादा नारियाँ यही कहती हैं कि मोदी जी को ही देखना पसंद करेंगे, और मुसलमान लोग भी यही कहते हैं कि हम मोदी जी को देखना पसंद करेंगे। लेकिन लगातार सवाल खड़े होते हैं कि मुस्लिम पक्ष में वकील नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब ऐसी ही अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर गौर नहीं करा जाए। आपका? मेरा नाम गुड़िया है। अच्छा, आज आपने भाजपा ज्वाइन की है, क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचकर आज, इससे पहले कहाँ, किस पार्टी में काम कर रहे हैं? मैंने फर्स्ट टाइम इस पार्टी में आई हूँ और मुझे अच्छा लगता है बीजेपी में। क्या उम्मीदें हैं, क्या अच्छा लग रहा है? उम्मीदें यही है, जो भी मतलब सोच रहे हैं वो सभी पूरा करते जा रहे हैं मोदी जी। जिस तरह का माहौल है कि भाजपा मुस्लिमों के फेवर में नहीं है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच है, और मोदी जी जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं। 2024 में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी।